जैनम जैतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, संसारी प्राणी का जीवन निमित्ताधीन बना हुआ है। जीवन में उसे जिस प्रकार के निमित्त प्राप्त होते हैं, वह उन निमित्तों से प्रभावित होकर उसी दिशा में गति करने लगता है, अथवा उसकी चेतना का परिणमन उसी प्रकार का हो जाता है। हम अपने जीवन को सर्वथा निमित्तों से भिन्न नहीं कर सकते। जो उच्च कोटि के साधक हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, भदंत हैं, वह वीतरागी सर्वज्ञ केवली भगवान हैं। वह निमित्तों से परे माने जा सकते हैं। या सिद्ध परमिष्टि हैं, निमित्तों से परे माने जा सकते हैं। या सबसे निम्न कोटि का प्राणी जीव, उस पर भी निमित्तों का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे भी निमित्तों से परे मान सकते हैं। सिद्ध परमिष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, अनंतानंत निगोदिया जीव वहाँ भरे पड़े हैं, तो अनंतानंत निगोदिया जीवों पर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि का। वीतरागी सर्वज्ञ केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान आदि गंधकुटी व समोषण में विराजमान हैं। कोई दुष्ट वहाँ पहुँच जाए तो उसका प्रभाव वीतरागी भगवान पर नहीं पड़ता। वे समोषण की विपुल विभूति के मध्य विराजित होकर के भी उनके मन में राग व द्वेष आदि का संचार नहीं होता। इसी प्रकार से कोई अत्यंत दुष्ट जीव है, उस दुष्ट जीव पर भी अच्छे संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ता। कवि के दो दोहे हैं, एक रहीम दास का दोहा, रहीम जी लिखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति कहा कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रेत भुजंग। जैसे चंदन के पेड़ पर सर्प लिपट जाएं, तो सर्पों के लिपट जाने से चंदन विषाक्त नहीं होता, ऐसे ही उत्तम प्रकृति के उच्च कोटि के जो मानव महामानव कहे जाते हैं, उन पर दुष्टों का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, सुपार्श्वनाथ स्वामी, महावीर स्वामी, तीन तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुआ, उपसर्ग से उन तीर्थंकरों की समता खंडित नहीं हुई। अन्य भी मुनि महाराजों पर उपसर्ग हुआ, वे उपसर्ग में समता भाव धारण कर केवल्य अवस्था को प्राप्त कर लिया और सिद्धत्व को भी प्राप्त किया। इसी तरह जो अत्यंत दुष्ट प्रकृति का कोई भी प्राणी है, उस पर भी श्रेष्ठ पुरुषों का प्रभाव नहीं पड़ता। इस संबंध में किसी कवि ने लिखा है, सेंठा उपजो ईख में नेक न लागो रंग, तुलसी ऐसे शठन को कहा करे सत्संग। एक सेंठा जो पेड़ होता है, सरपत्ता की कलम बनाते हैं और उसके पत्ते से छप्पर आदि बनाते हैं, सूप आदि बनाते हैं। यदि गन्ने के खेतों में पैदा हो जाए, गन्ना मीठा होता है किंतु सेंठा हुए मीठा नहीं होता। या कोई एरंड का पेड़ है और इच्छुदंड के बीच में हो, तो एरंड का पेड़ मीठा नहीं हो जाता। आम के पेड़ के पास बबूल का पेड़ है, तो आम के पेड़ में कांटे नहीं लग जाते और बबूल के पेड़ में आम की मिठास नहीं आ जाती। अत्यंत दुष्ट प्रकृति के प्राणी में सृष्टि की संगति का प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु
जो मध्य में रहने वाले संसारी प्राणी हैं उनके ऊपर संगति का प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति होती है वैसा प्रभाव पड़ता है। लाइट जल रही है, उस पर आपने जिस कलर की प्लास्टिक लगा दी उसके माध्यम से बाहर निकलने वाला प्रकाश उसी प्रकार का होता है। सूर्य का प्रकाश सामने से आ रहा है, कांच जिस कलर का लगा है उसका रिफ्लेक्शन आता है सामने वाली दीवार पर, कलर उसी प्रकार का दिखाई देने लगता है। संगति का प्रभाव तो पड़ता है, उसे नकारा नहीं जा सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उत्थान और अवनति के मार्ग को, पतन और उन्नति के मार्ग को बिना निमित्तों के प्राप्त कर सके। संसार में जो कोई भी जीव उन्नति के मार्ग पर चल रहा है वह है, अवनति के मार्ग पर चल रहा है वह है, निमित्त के माध्यम से चल रहा है। चलता व्यक्ति है किंतु बिना आलम्बन के नहीं। ऊपर चलने के लिए सीढ़ियाँ चाहिए तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ चाहिए। सीढ़ियाँ आलम्बन है, सदुपयोग करने वाले के लिए वही निमित्त उत्थान व उन्नति में कारक होता है, दुरुपयोग करने वाले के लिए वही निमित्त अवनति व पतन में कारण होता है। आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में इस संगति के संबंध में एक श्लोक अच्छा सा लिखा है। उन्होंने लिखा, यथात्र शुद्धिमाधत्ते स्वर्ण संसर्ग मग्निना तथा मन शुद्धिम तथा ध्यानी योगी संसर्ग वन्निना। श्लोक नंबर 800 अथवा सर्ग 15 और श्लोक नंबर 30 वृद्ध शिवा के प्रकरण में उन्होंने इसे लिखा कि सत्संगति का क्या प्रभाव है। वृद्ध पुरुषों की संगति करने से जीवन में किस तरह से कषायों का शमन होता है, क्षमता आती है, सेवा की भावना जगती है, ग्लानि को जीता जाता है और वे व्यक्ति कल्याण का पात्र बन जाता है। यदि दुष्टों की संगति की जाए तो उसमें दोषों का आविर्भाव शुरू हो जाता है। आपको ज्ञात होगा जंगल में एक ही कपल के दो बच्चे तोते आंधी तूफान के आने से एक उधर उड़ गया दूसरा उधर, एक को डाकू ने पकड़ लिया दूसरे को साधु ने, दोनों को अपनी अपनी संगति के संस्कार प्राप्त हुए। साधु की आश्रम में रहने वाला तोता वह धर्म के शब्दों का उच्चारण करता है, मिष्ट शिष्ट हितकर भाषा बोलता है, प्रभु परमात्मा के नाम का उच्चारण करता है। जबकि डाकू संगति में पहुँचने वाला तोता, उसके माता पिता एक ही जैसे हैं, जंगल भी वही है, दोनों की दूरी ज़्यादा नहीं, किंतु डाकू के पास रहने वाला तोता अपशब्द बोलता है, गाली गलौज दुष्ट अशिष्ट शब्द बोलता है। ये सब संगति का प्रभाव दृष्ट गोचर प्रत्यक्ष में भी होता है। संगति के संबंध में आचार्य महोदय जो कह रही हैं, इस श्लोक का अर्थ भी देखें। उन्होंने क्या लिखा श्लोक में, यथा अत्र शुद्धि मादत्ते स्वर्ण संस्कार मग्निना। कनक पाषाण अग्नि की संगति पाकर शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। कनक पाषाण में विद्यमान पाषाण अग्नि के माध्यम से जल जाता है, राख बन जाता है, और स्वर्ण क्रमशः ताप को, अग्नि के ताप को सहन करता हुआ सोलहवें ताप में पूर्ण शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। अग्नि की संगति शुद्ध कर देती है धातुओं को। अग्नि वह कर्म कलमश को जलाने वाली है। कौन सी अग्नि? कर्म कलमश को जलाने वाली अग्नि है ध्यान की अग्नि। किंतु बाह्य कलमश जो धातु धातु में जंग आदि लग जाती है उसे जलाने वाली दावाग्नि होती है। अग्नि से जैसे सोना शुद्ध हो जाता है, और ये संगति का ही प्रभाव है। जीव बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनपात लोह की संगत पाई। वैसे अग्नि को पीटा नहीं जाता, किंतु अग्नि लोहे में प्रवेश कर जाए, क्षुद्र धातु में, निम्न कोटि की धातु में
दुष्ट में प्रवेश कर जाए, एक में हो जाए, तो लोहार उस लोहे को सीधा करने के लिए, औजार बनाने के लिए पीटता है, उस लोहे के साथ साथ अग्नि को भी पीटना पड़ता है। इस आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, अनंतों सिद्धों जैसा है, अपने अंतगुणों को प्राप्त करना है, किंतु कर्म की संगति पाकर ये जीव चतुर्गति परिभ्रमण करता है, दुखों को प्राप्त करता है। जैसे अग्नि लोहे की संगति से वह चोट सहन करती है, उसी प्रकार जीव भी कर्म की संगति के माध्यम से ये चार गति के दुखों को प्राप्त करता है, जन्म मरण के दुखों को प्राप्त करता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं, अग्नि का संसर्ग पा करके स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार मन शुद्धि तथा ध्यानी, ध्यानी पुरुष जिसे अपने मन की शुद्धि करनी है, मन को शुद्ध बनाना है, तो क्या करें? योगी संसर्ग वर्णिना, योगी रूपी अग्नि की संगति करने से, संसर्ग करने से उस ध्यानी पुरुष का मन शुद्ध होता है, ध्यान के योग्य बनता है। कई बार ग्रस्त सदग्रस्त श्रावक श्राविका पूछते हैं, महाराज जी सबसे उच्च कोटि की साधना क्या है? और उन्होंने सुना है या पढ़ा है या पूछने पर उत्तर प्राप्त करते हैं कि ध्यान सबसे उच्च कोटि की साधना है। पुष्प कोटि समम पूजा, पूजा कोटि समम स्तवनम, स्तोत्र कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि ध्यानम कोटि समम क्षमा। करोड़ों पुष्पों से पूजा करने से अच्छा है शुद्ध मन से स्तुति पढ़ो, उससे भी अच्छा है जाप करो, उससे भी अच्छा है ध्यान करो, उससे अच्छा है सुख दुख जो प्राप्त हो रहा है, शुभ अशुभ कर्म का उदय फल उसमें समता रखो, जिससे कर्म निर्जीर्ण हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ध्यान वह उत्तम निधि है जो आत्मा को परमात्मा बना देती है, किंतु उस ध्यान की प्राप्ति कैसे हो, वह ध्यान कैसे प्राप्त हो, तो ध्यान को प्राप्त करने के लिए योगी की संगति परम आवश्यक है। आचार्य शकलकीर्ति मुनिराज के सुभाषित रत्नावली ग्रंथ में लिखा है, निर्गंत संगम कुर मुक्त बीजम, यदि मोक्ष का बीज चाहिए तो निर्गंत साधनों की संगति करो, तुम्हें मोक्ष का बीज मिल जाएगा। निर्गंतता समचितता परिचय या कषाज, ये सामग्री है, इसके बिना ध्यान की प्राप्ति नहीं होती। किंतु सुचंद आचार्य महाराज कह रहे हैं, ध्यान को प्राप्त करना चाहते हो तो योगी जनों की संगति कर लो, सब सामग्री आपको वहीं मिल जाएगी। वैराग्य भी, तत्व विज्ञान भी, निर्गंतपना भी, समचितता भी और कषाय परिश्रम को सहन करने की सामर्थ्य भी। तो महानुभाव, योगी की संगति ऐसी अग्नि है जो उस प्राणी के अंदर के विकारों को ध्वस्त करती है। जैसे दावाग्नि लकड़ी को जलाती है, जठराग्नि उदर में स्थित भोजन को पचाती है, वरवाग्नि समुद्र के जल को जलाती है, क्रोधाग्नि विवेक को नष्ट करती है, मोहाग्नि व्यक्ति को मोहित करती है और उसकी शांति को भंग करती है। उसी प्रकार जीवन में ज्ञानाग्नि, तपाग्नि और ध्यानाग्नि, ये अग्नि भी व्यक्ति के विकारों को, व्यक्ति के दुष्कर्मों को, व्यक्ति की दुष्प्रवृत्तियों को और पूर्वद कर्मों को जलाने में समर्थ होते हैं। निमित्त का प्रभाव बताते हुए आचार्य ने कहा, यदि कोई लकड़ी अग्नि का संसर्ग प्राप्त कर ले तो वह लकड़ी अग्नि रूप अवस्था को प्राप्त हो जाती है। जल वर्प की संगति को प्राप्त कर ले तो जल भी वर्प बन जाता है, जम जाता है उसके साथ। जल किसी भी पुष्प की कलिका पर, उसके दल पर, पांखुड़ी पर जल की बूंद चमक रही है, उसकी आभा जैसा उस पुष्प का वर्ण है, उसी प्रकार की आभा उसमें दिखाई देती है। यदि पुष्प लाल वर्ण का है तो बिंदु की आभा भी लाल, पीत वर्ण का है तो बिंदु की आभा पीत,
श्वेत है तो श्वेत, नील है तो नीलमाशी युक्त, उसकी आवास में आ जाती है। जल की बूंद भी इसी प्रकार वह जैसे जिसकी संगति करती है, जैसे रस से युक्त पदार्थ है उसमें जाकर के उसी अवस्था को प्राप्त हो जाती है। ईख में मीठी, नीम में कड़वी, मिर्ची में चरपरी, नींबू में खट्टी, आमली में कसाईली, यह जल अपने आप में कोई स्वाद लेकर के नहीं आया, जैसी संगति प्राप्त करता है वैसा प्रभाव पड़ता है। दुर्योधन ने शकुनी की संगति की, यद्यपि दुर्योधन राजपुत्र थे, धृतराष्ट्र के पुत्र थे, गांधारी के पुत्र थे, राजकुमार थे, बाल्यावस्था से इतने दुष्ट नहीं थे, कुसंगति प्राप्त करके उनमें कुसंस्कार आ गए। और सुयोधन युधिष्ठिर, दुर्योधन का नाम सुयोधन था, बाद में दुर्योधन पड़ा, और युधिष्ठिर श्री कृष्ण आदि की संगति की, गुजरों की संगति की, सुसंस्कारों को प्राप्त किया। द्रोणाचार्य की संगति अर्जुन ने की, इतने बड़े धनुधारी बने। नंदी मित्र ने विनयगुप्त नाम के मुनि महाराज की संगति की, वे नंदी मित्र बाद में चंद्रगुप्त मौर्य बने। नंदीश्वर ने एक मुनि महाराज संगति की जो आत्महत्या करने जा रहे थे, बाद में वसुदेव बने। एक सिंह ने हंस को देख करके ब्राह्मण को उपसर करने का सोचा, भक्षण करने का, किंतु हंस ने कहा ठहरो, ब्राह्मण है, इनका सम्मान करो। शेर ने सम्मान किया। दूसरी बार उस शेर के पास कौआ था, उसने कहा ये तो तेरा शिकार सामने है, इसे मार दे। सिंह ने शिकार कर दिया। सिंह वही था, हंस की संगति पा करके उसके मन में अच्छे विचार हो गए, कौए की संगति से बुरे विचार हो गए। सिंह जब मुनि महाराज की संगति की तो समृद्ध को प्राप्त कर लिया, भगवान महावीर स्वामी बन गया। सिंह उसके पहले हिरण का शिकार कर रहा था। ऐसे और भी अपने शास्त्रों में उदाहरण हैं, चाहे रूपकुर चोर का हो, अंजन चोर का हो, विद्या चोर का हो, रोणी चोर का हो, क्षण भर की साधु संगति की। पात्र केसरी ने क्षण भर के लिए वह चार दोषण मुनि महाराज से वह स्त्रोत्र सुना और उनका मन बदल गया, मिथ्या से समदृष्टि बन गया। महानुभाव, सत्संगति उत्थान की ओर ले जाने वाली है, कुसंगति पतन की ओर। आचार्य महर्ष कह रहे हैं जैसे लोहा पाशमणि की संगति से सोना बन जाता है, उसी प्रकार योगियों की संगति से ये आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। अतः हमें सत्पुरुषों की, योगी जनों की और प्रभु परमात्मा के बिंबों की संगति करना चाहिए, जिन वचनों की संगति करना चाहिए, जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ हो सकें। आज इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।